और इस वक्त जो खबर आ रही, देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 979 हो गई है और अब तक मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो गया, 25 हो गई है। जो ये संख्या अब तक 19 आ रही थी, अब ये संख्या मौतों की संख्या 25 हो गई है। ब्रह्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश, एकदम ये इजाफा हुआ है, अब तक की संख्या 19 थी और ये सीधा 25, क्या अपडेट है? बिल्कुल सचिन, देखिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी अभी कुछ मिनट पहले ही जो अपडेट जारी किया गया है उसके मुताबिक बीते 24 घंटे में 6 मरीजों की डेथ हुई है जो कोरोना के मरीज थे और ये आंकड़ा बढ़कर 25 हो गया है। अभी तक सचिन जो स्थिति थी ये होता था कि लगातार केसेस तो बीते 10 दिन से बढ़ ही रहे हैं लेकिन जो डेथ का रेशियो था वो कम था, लेकिन आप देखिए बीते 24 घंटे में अपने आप में बेहद बड़ी और अहम खबर है कि 6 मरीजों की मौत हो जाना और ये आंकड़ा बढ़कर 25 हो जाना। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल आंकड़े देखें तो 979 हो गए हैं, हालांकि 979 में 80 वो लोग भी शामिल हैं, 79 जो डिस्चार्ज हो चुके हैं और एक माइग्रेटेड हो चुका है तो उनका आंकड़ा भी शामिल है, लेकिन कुल अगर बात करें जो अभी एक्टिव केसेस हैं 867 मरीज कोरोना के पॉजिटिव संक्रमण के मामले हैं और उन सभी को अभी आइसोलेट किया गया है, भर्ती किया रखा गया है और निगरानी में रखा गया है। यानी अभी अगर प्रेजेंट की बात करें सचिन तो 867 जो है संक्रमण के केसेस हैं और इसके अलावा 80 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, वो ठीक होके जा चुके हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण और गंभीर बात यह है कि डेथ का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ा है बीते 24 घंटे में। सचिन बिल्कुल, डेथ का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है पिछले 24 घंटे में, 19 से 25 हो गए हैं और ये कंसर्न का विषय है। दूसरे में एक और सबसे बड़ा कंसर्न ये वो जो हमने देखा था जिस तरीके से जो आनंद विहार और तमाम जगहों पर जो लोग पलायन को लेकर के बाहर थे वो कुल मिलाकर के, तो कुल मिलाकर के अब तक 25 लोगों की मौत की खबर है। कोरोना के 86 मरीज जो हैं वो इलाज से ठीक हो चुके हैं और 979 जो है संख्या, टोटल जो है संख्या 979 वो ये पहुंच चुकी है और ये लगातार बढ़ा है, ये संख्या का जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ा है। कोरोना के 86 मरीज अब तक इलाज में ठीक हो चुके हैं। तो देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना वायरस से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है कि आखिर यह महामारी थमेगी कब। कोरोना महामारी को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक दावा यह भी है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा कोरोना वायरस का असर कम होगा। कुछ रिसर्च ये दावा कर रही है कि गर्मी और नमी के आने से कोरोना वायरस के फैलने की आशंका बहुत कम हो जाएगी। आपको दिखाते हैं आखिर इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है। जिन देशों में तापमान कम वहां कोरोना का कहर ज्यादा। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, यूरोप के ये ऐसे देश हैं जहां कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। इन देशों में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और कोरोना वायरस से मरने वालों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। भारत में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन यूरोप और अमेरिका के मुकाबले अभी संख्या बहुत कम है। कोरोना के कहर के बीच एक रिसर्च सामने आई है जो भारत के लिए बड़ी राहत भरी खबर हो सकती है। क्या तापमान बढ़ने से कम होगा कोरोना का कहर? दुनिया के जाने माने संस्थान मैसेच्युएट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT की एक रिसर्च ने बड़ी उम्मीद जगाई है कि जैसे ही सूरज की तपिश बढ़ेगी कोरोना से बचने की उम्मीदें भी बढ़ेंगी। मैसेच्युएट्स इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक मौसम अगर गर्म और नमी भरा होगा तो इससे कोरोना वायरस के फैलने की आशंका बहुत कम हो जाएगी। इस रिसर्च में सबसे अहम बात तापमान और मौसम में नमी को लेकर की गई है। रिसर्च के मुताबिक जिन शहरों में पारा 3 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और नमी 4 से 9 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रही वहां कोरोना वायरस के मामले 90% पाए गए, जबकि जिन देशों में पारा ज्यादा रहा
और नमी 9 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा रही वहां पर कोरोना के मामले सिर्फ 6% ही सामने आए। MIT के रिसर्च को कई देशों के आंकड़ों की कसौटी पर परखते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं इटली का। इटली का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 86,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि कोरोना से मरने वालों की तादाद 9,100 के पार पहुंच गई है। अमेरिका में इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। अमेरिका में 1,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। यहां का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। चीन का औसत तापमान 13 डिग्री सेल्सियस है और वहां पर संक्रमित मरीजों की तादाद 81,000 के आंकड़े के ऊपर है, लेकिन पिछले कई दिनों में यहां ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। जर्मनी का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 53,000 के पार है। ईरान का औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है और वहां पर 32,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। स्पेन का औसत तापमान 16 डिग्री के आसपास है। यहां पर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 65,000 को पार कर गया है। भारत का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 900 के आसपास है। The virus, they're working hard. Looks like by April, you know, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. But we're doing great in our country, China. I spoke with President Xi, and they're working very, very hard. And I think it's going to all work out fine. Massachusetts Institute of Technology की रिसर्च सिर्फ अनुमानों पर आधारित है। कोई वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है कि कोरोना तापमान बढ़ने के साथ खत्म हो जाता है। MIT की रिसर्च में ये भी कहा गया है कि भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अफ्रीकी देशों में कोरोना के मामले गर्म मौसम के कारण ही कम आए हैं, जबकि एशिया के इन देशों की आबादी घनी है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुकाबले कमजोर हैं। कोरोना वायरस और तापमान के कनेक्शन को अभी डॉक्टरों ने पूरी तरह से सच नहीं माना है, लेकिन डॉक्टर इस बात को जरूर मानते हैं कि तेज तापमान के कारण कोरोना वायरस किसी निर्जीव सतह पर जल्द खत्म हो जाता है। ये सरफेस पे रह जाता है कुछ घंटों तक, और धूप में तेज धूप होगी तो जल्दी मर जाएगा। अगर थोड़ी ठंडक होगी तो थोड़ी ज्यादा देर तक ये जीवित रह सकता है। वैसे अगले कुछ दिनों में देश का तापमान बढ़ेगा। देश में 15 अप्रैल तक उत्तर भारत में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। 15-17 अप्रैल तक लगभग ये टेम्परेचर हमारे पास 39-40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ज्यादातर ऑब्जर्वेटरीज में पहुंचने की संभावना है। साथ ही साथ अगर हम आगे की बात करते हैं, जो कि 30 अप्रैल तक, अगर 25 से 30 अप्रैल की बात करते हैं, तो तापमान लगभग हमारे पास 42 से लेकर 44 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम और तापमान से कोरोना को रोकने की सच्चाई का वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं है। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि आप पूरी तरह से सावधानी बरतें और घरों पर ही रहें, ताकि कोरोना वायरस आप तक किसी भी हालत में ना पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।